हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूं। और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ्स का सिमिलर ट्रायंगल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसे कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा प्लीज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करें। ये क्वेश्चन है क्या, आइए आप यहां देखें। सबसे पहले ये ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। ऐसा देखा जाता है कि कई सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्कैनन ट्राइंगल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल हम कहते हैं अर्थात ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, इट मीन्स ट्राइंगल विच हैज ऑल साइड्स इक्वल, बेसिकली इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। द ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज बेसिकली नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड ऐसा ट्राइंगल जिसके एक भी साइड इक्वल ना हो, यानी सब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं, तो इसे हम स्कैलन ट्राइंगल कहते हैं। द ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स इक्वल एट ऑल इज बेसिकली नोन एज स्कैलन ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी। तो चूंकि इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली इसके सारे साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है बच्चे, सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे इस क्वेश्चन में। साथ ही एक कंडीशन और दे रखा है, यहां पर ध्यान दे आप, ये जो बी डी है, ये बी डी इक्वल्स टू 1/3 बी सी, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप प्रूव करो। यहां पर ध्यान से देखें, ये पार्ट प्रूव करना है 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू आना चाहिए 7 AB स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको। सपोज करो ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसे हम परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके अनुसार एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पाइथागोरस है, आपने पढ़ा भी होगा और इसका इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर सपोज करो एल हमें ड्रॉ कर देना होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये एल यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसे हम यहां पर लिख देंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन में, वी ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों कि जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना है वो है 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। मेरे साथ बोर्ड पर आ जाए। सबसे पहले बच्चों हम यहां पर आप ध्यान से देखें, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई पड़ रहा है ए बी एल और जो दूसरा ट्राइंगल है ए सी एल, ये वाला ट्राइंगल बच्चों। ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रेट करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इस तरह से इसको, इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ट्राइंगल ए सी एल। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली यहां पे ए बी और ए सी इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, सिंस गिवन है कि ये इक्विलेटरल है। ठीक है बच्चों, याद रखिए इसको। अच्छा, आप यहां देखिए कि ये जो एंगल है ये 90 है, ये भी 90 होगा क्योंकि ए एल परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल ए एल बी इक्वल्स टू एंगल ए एल सी, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, और साथ ही आप देखिए जो ए एल जो परपेंडिकुलर है ये दोनों ट्राइंगल में है, यानी हम इसे कॉमन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसे कॉमन कह दिया। तो आप यहां देखें कि ट्राइंगल ए बी एल और ए सी एल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए बी एल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एल। कौन सा नियम लगा बच्चों, तो ये नियम लगा आर एच एस।
आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं ये जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज को इक्वल कर दिया, परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है और ये 90-90 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है। अभी जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो BL और CL है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है बच्चों। तो रिजल्ट मिला यहाँ BL और CL दोनों इक्वल हो गए। अच्छा आप ये बताएं, अगर BL और CL इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, BL जो है वो पूरे BC का कितना होगा, आप आसानी से कह सकते हो कि पूरे BC का हाफ होगा, यानी प्यारे बच्चों इसको मैं यहाँ पर हाफ BC भी लिख सकता हूं, ठीक है। यानी हमने सबसे पहला काम किया ट्राइंगल ABL को ACL के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद ये जो BL और CL है ये पूरे BC का हाफ होता है, ऐसा हमने यहां प्रूफ कर लिया और इसे अभी फिलहाल हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है बच्चों। अब बढ़िए आगे आगे हम चलते हैं। यहां पर आप देखें हम लोग यूज करते हैं ट्राइंगल ABL, यहां पर 90 डिग्री है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों। तो हम यहां लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABL। तो आप अगर यहां पे गौर करो तो ये जो ट्राइंगल ABL है यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। यहां पर प्यारे बच्चों हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। ट्राइंगल ABL में AL परपेंडिकुलर यानी P है, BL बेस है यानी B है, और AB हाइपोटेन्यूज यानी H है। और मैंने भी बताया कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से ये जो AB है तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, ठीक है। हमने अभी से इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है बच्चों। अब कृपया इसे थोड़ा याद रखेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये जब दोनों इक्वेशन हमें मिल चुका है तो आगे हम बढ़ते हैं और आप इसे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो देख लें, वीडियो रिमाइंड करके देख लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगर मैं ये कहूं इस तरह से कि अगर हम ट्राइंगल ABL का इस्तेमाल, सॉरी ट्राइंगल ABL का इस्तेमाल करें, आप ध्यान दीजिएगा ये छोटा वाला ट्राइंगल ABL ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल ADL में प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे यहाँ पे AD हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। यानी अगर ट्रायंगल ABL में AB स्क्वायर सॉरी ट्रायंगल ADL में अगर AD स्क्वायर निकालना हो तो AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर को तो आप यूं ही रहने दें, बट बच्चों ध्यान से देखो यहां पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया बच्चों, पहले यहां BL और DL होगा, यहां पे सॉरी ये DL होगा, ये वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, है ना। अब ये जो DL है अगर हमें DL निकालना हो तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, पूरे BL में से अगर मैं BD को माइनस कर दूं तो DL ही तो बचेगा। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, ये जो DL है इसके जगह पर लिखता हूं इस तरह से BL माइनस BD, ठीक है बच्चों। और चूंकि स्क्वायर है तो मैं इसे स्क्वायर रहने देता हूं, तो BL माइनस BD आ चुका है। अब आप इसको कुछ इस तरह से फिर से लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल्स टू AL स्क्वायर को आप रहने देते हैं बच्चों, और यहां पर आप देखिए इसे हम A माइनस B होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ब्रेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें फॉर्मूलाज भी ठीक से याद नहीं होते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आपको बता दूंगा, यहाँ पर आप इक्वेशन को याद करेंगे जो मैंने 2 यहाँ पे ले रखा है। आप ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर हम निकालें ए माइनस बी होल स्क्वायर तो आप बेसिकली आप इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर इसे ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर भी आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगर इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को बढ़ाते हैं तो आप इसको लिखोगे BL स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BL इंटू BD। मैंने इसको a माना है, इसको b माना है बच्चों, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस फॉर्मूला पर मैंने इसे बैठाया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए एल स्क्वायर और बी एल स्क्वायर है, बच्चों मैंने अभी इक्वेशन नीचे लिखा था, ध्यान दें यहां पर, अगर ए एल स्क्वायर में बी एल स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये ए बी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, इसे मैंने इक्वेशन टू माना था, यहां पर इक्वेशन टू माना था। तो हम ये जो ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर है, इसको इस पार्ट को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अभी क्वेश्चन में मेरा क्या दे रखा था, क्वेश्चन में ये गिवन था कि बी डी इक्वल्स टू होता है, सॉरी दिया हुआ है 1/3 BC, ये गिवन है प्यारे बच्चों। ठीक है, साथ ही मैंने ये भी आपको निकाल कर दिखा दिया था कि बी एल जो है वो 1/2 BC के इक्वल है। ठीक है, तो अब कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो बी डी है बच्चों, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर 1/3 BC, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर दे दिया। इसके बाद आप देखिए बी एल, मैंने कहा ना कि बी एल 1/2 BC, मैंने प्रूव किया था ना, तो क्योंकि ए बी एल और ए सी एल को कॉन्ग्रेट किया था, तो बी एल और एल सी दोनों जो है बीसी का हाफ हो गया था यहाँ पर। तो ये जो बी एल है बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1/2 BC, और ये जो बी डी है बी डी को मैं फिर से लिख सकता हूँ 1/3 BC। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, आप इस ए बी स्क्वायर को अभी फिलहाल बताने दें यार बच्चों, 1/3 BC का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यदि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और ये बीसी का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो गया, बीसी स्क्वायर हो गया। आप यहाँ ध्यान देंगे 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ऊपर में 1 बचा, नीचे 3 आ गया, और बीसी को बीसी से आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये बीसी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से नए तरीके से मैं बता पाऊं। चलिए अब हम यहाँ पर एक और काम करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें यहाँ पर, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप ए बी स्क्वायर को रहने दें, 1/9 रहने दें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ए बी बी सी और ए सी ये तीनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये तीनों साइड इक्वल होंगे क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैं यहां पर जो बी सी है तो यहां पर मैं इसको ए बी भी लिख सकता हूं, और यहां पर भी जो बी सी है इसे भी मैं ए बी लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप में आप क्या करें, यहां पर चलिए मैं थोड़ा इसे ऊपर लिख दू, तो मैं इसे यहां लिख देता हूँ बच्चों, आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिए स्क्रीन शॉट या है तो ये क्लियर पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मेरा आया है ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर देखिए मेरे बच्चों आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय 9 और माइनस ए बी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, और ए बी स्क्वायर नीचे कुछ नहीं, आप वन उसको सपोज करें तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, आप इन 1 का 9 का 3 का एलसीएम लें, तो एलसीएम तो निकालने आपको आता ही होगा, फिर भी अगर कोई न्यू यूजर है उनको अगर परेशानी है तो मैं बता दूं एलसीएम आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें एलसीएम निकालने का, ये 9 है और ये 3 है, 1 है तो 1, तो जनरली ऐसे चलता है, तो ये 3 जो 9 3 1 3, तो फाइनली इसका जो एलसीएम होगा बच्चों होगा 3 × 3 यानी 9। अगर कोई भूल गए होंगे तो कृपया इसे देख लें एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो हमने इसका एलसीएम निकाला तो ये आया 9। अब 1 से अब 9 को डिवाइड करूंगा बच्चों तो आपका क्वेश्चन 9 आएगा, और 9 को हम इस ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मिला 9 AB²। फिर आप 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 × 1 = 9 यानी 1 आता है, 1 को मैंने ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ 3 से अगर मैंने 9 को डिवाइड किया तो ये 3 बार में होगा, 3 × 3 = 9, और मैंने इसको 3 से इंटू कर दिया तो ये 3 AB² हो गया। यहाँ पर ए बी स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 सपोज कर ले, और यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को मैंने ए डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 9 AB². ठीक है बच्चों, और यहां पर आप देखिए गौर करें 9 AB² और ए बी स्क्वायर ये मिलकर हो गया 10 AB², और ये बच गया 3 AB². ठीक है बच्चों, और फाइनली आप यहां देखें यहां पे मिला हमें 9 AD²
अगर आप 10 या 20 प्राइम में से 3 या 20 प्राइम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचता है 7ab² और फाइनली यही हमें प्रूव करना था। तो बन गया, ठीक है। आप यहां देखिए मैंने लिख रखा है कि 9ab² इक्वल्स टू आना चाहिए 7ab², ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने हर स्टेप को इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको ये शायद समझ में भी आया हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लें, और अगर फिर भी अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम आपको होता है तो प्लीज वीडियो में आप कमेंट करें, तो मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके काम आ सकूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और फिर अगले वीडियो में आपसे जल्द मिलूंगा एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद।